Assalamualaikum sir, की हाल है? ठीक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब इकराम साहब, जनाब राना अफसर अली साहब, जनाब मेरे भाई हाजी अकरम साहब और काबिल एहतराम भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो पौधा हमने लगाया शजरकारी मुहिम का एक हिस्सा है और ये हमारा तमाम अलियान अटक बल्कि पूरे तमाम पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि ये पौधे जो हैं ये अपने घरों के अंदर, अपने इलाके के अंदर, जहाँ भी कोई जगह मौजूद हो उसको खाली ना छोड़ा जाए और उसको पौधे लगाए जाएँ, ताकि इस माहौल को भी बेहतर किया जाए और आपकी जो ज़िंदगियाँ हैं इनके अंदर भी अल्लाह के फजल से कोई बेहतरी आए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के करम से ये जो काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं सारे, ये काबिल स्ताइश भी हैं और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इनको इसमें तरक्की अता फरमाए। बाकी जहाँ तक महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन का मामला है, वो कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जितनी आज भी अभी भी हम आते हुए रास्ते में यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो करप्शन चल रही है, इस वक्त मैं ज़िला टक की बात करूँगा, ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सारे नुमाइंदे अखबारी बैठे हैं, उन्होंने भी पूरे बेशुमार अदवार देखे हैं और करप्शन जो है वो उसका रेट भी बढ़ गया है। सिर्फ करप्शन नहीं, रेट भी बढ़ गया और कोई मादर पिदर आज़ादी है। और ये बातें हम खान साहब को भी बताते रहे हैं और बताते रहेंगे भी, क्योंकि हम PTI में इसलिए शामिल नहीं हुए कि जो गंद है उसके पीछे हम उसके लिए हम ख़राब हों। हमने ये बताया खान साहब को वाजिया कि अपनी गवर्नेंस को ठीक करें, अपनी जो डिलीवरेंस है इसको ठीक करें, महंगाई को कंट्रोल करें। करप्शन को कंट्रोल करने में कौन सा पैसा दरकार है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को आपने ठीक करना है, कंट्रोल करना है और अफसर जो है इनको मदर पिदर जो आपने आज़ाद किया हुआ है इस पर कंट्रोल करना। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह खान साहब इस चीज़ पर तवज्जो भी दे रहे हैं और देंगे भी। अगर नहीं देंगे तो हम उनसे लड़ाई भी करेंगे और उनको हम इंशाल्लाह ताला आगाह भी करते रहेंगे। तो जहाँ तक तल्लक है आपके रोज़गार के वाले से, आपको पता है हमारा ये पहला मिशन है, गलियाँ नालियाँ नहीं, ये तो बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, कई दफ़ा बनेंगी, कोई नई नई चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो रोज़गार की फ्राहमी है। तो उसके लिए भी हमने इनको कहा है कि रोज़गार फ्राहम करना ये हुकूमत की अवलीन तरजीह और उनकी बेसिक ज़िम्मेदारी है। कहीं क्योंकि इनको कई लोग कहते हैं जी ये हुकूमत की नहीं, ये तो प्राइवेट सेक्टर जो है मिलें लगाए, फैक्ट्रियाँ लगाए, लोगों को रोज़गार दे। ठीक है, मिलें और फैक्ट्रियाँ भी लगाना, आपने उनको फैसिलिटेट करना है, आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि बाहर से इन्वेस्टर आए, आपके अपना जो अंदर बैठा हुआ इन्वेस्टर है वो भी खुशी से इन्वेस्ट करे, इंडस्ट्रियाँ लगें और लोग आएँ। लेकिन बेसिक ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है। तो हम हुकूमत को ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर पूरा उनको अदा करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि लोग खुश हों और लोग आपको दुआएँ दें। मैं फिर आप सबका और राना साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि उनकी बदौलत ही ये मुल्क कायम दायम है।
बाकी सियासी जो हैं आपने सबको देखा है, कोई लूट के किधर चला गया, किधर चला गया, लेकिन यही अदारा है जिसने मुल्क को अल्लाह के फजल व करम से यकजा करके रखा हुआ है और लोग इन पर एतमाद करते हैं। हम इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको इस्तकामत दे और पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रेलवे का टाइम ज़रूर इन्होंने खर्च किया होगा, लेकिन सर ये सब कुछ ये इनकी ज़ाती काफ़िशें हैं। ये इजाज खान साहब हैं सर, इन्हें अपना ये इनाम आते हैं कुछ, ये आप अपने हाथों से आए भैया इजाज खान साहब। नवाब गुल साहब, असेफ खान, नासिर खान जी, नासिर खान सर ये आपका बहुत बड़ा जाना सर, ये आपकी बहादुरी से ली है और इसने बड़ी मेहनत सर इसने की है। सारे आप मिस्टर मिस्टर मोहम्मद रफीक साहब और रफीक ये सर बड़ा है सारे, थैंक यू सर। बीबी किधर गई हैं? चेक करें। आओ जी नदीम।